भारत तिब्बत सीमा पुलिस एक ऐसा बल जिसका प्रत्येक सदस्य सभी संभावित सुरक्षा दायित्व कर्तव्यों में पारंगत स्वयं समर्थ है, चाहे सीमा सुरक्षा हो, आंतरिक सुरक्षा या फिर सौंपा गया कोई भी अन्य कार्य। लक्ष्य है भारत तिब्बत सीमा की हिफाजत, सीमा पर संदिग्ध गतिविधियों की निगरानी और सरहदी आबादी का भरोसा जीतना। किसी भी सुरक्षा दायित्व के लिए हर समय तैयार रहना और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए बल का मूल वाक्य है शौर्य, दृढ़ता, कर्मनिष्ठा। हम हैं भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी ITBP। 24 अक्टूबर 1962 में यह संगठन अस्तित्व में आया क्योंकि भारत चीन युद्ध के समय चीनी सीमा पर सुरक्षा के लिए एक हिमालयी बल को जरूरी समझा गया। आज हम 60 मजबूत बटालियनों के 90,000 हिमवीरों के साथ लद्दाख के काराकोरम दर्रे से अरुणाचल प्रदेश के जाचेप ला तक 5 राज्यों की 3,488 किलोमीटर सीमा की दिन रात निगरानी करते हैं। ये सीमाएं शौर्य और धैर्य का जबरदस्त इम्तिहान लेती हैं। 9,000 से 18,700 फीट की ऊंचाइयों पर स्थित हमारी रक्षा चौकियों पर तापमान 0 से 45 डिग्री नीचे तक पहुंच जाता है और ऑक्सीजन का स्तर गिर जाता है, लेकिन इन हालातों में भी हिमवीरों का हौसला हमेशा बुलंद रहता है। भारत चीन सरहद की हिफाजत के परे भी हमारी जिम्मेदारियों का दायरा काफी बड़ा है। नक्सल प्रभावित रेड कॉरिडोर में नक्सल विरोधी अभियान में अहम भूमिका, अमरनाथ यात्रा सहित देश के विभिन्न भागों में आंतरिक सुरक्षा ड्यूटी, चुनाव ड्यूटी, VIP सिक्योरिटी, जिम्मेदारी कितनी ही चुनौतीपूर्ण हो, हम हमेशा उसको पूरा करने को तैयार रहते हैं। इसीलिए ITBP के हिमवीरों को महत्वपूर्ण जिम्मेवारियों के लिए अक्सर प्राथमिकता दी जाती है, जैसे मानसरोवर यात्रा में स्वास्थ्य, संचार और सुरक्षा व्यवस्था, रूमटेक मठ की चौकसी, राष्ट्रमंडल खेलों की सुरक्षा और राष्ट्रपति भवन की हिफाजत। शांति के लिए हमारी प्रतिबद्धता देश की सीमाओं से परे भी विद्यमान है। शांति मिशन में सहयोग का सिलसिला विभिन्न एशियाई, यूरोपीय और अफ्रीकी देशों से होता हुआ DR कांगो और अफगानिस्तान में जारी है। सशस्त्र बल का आधार उत्कृष्ट प्रशिक्षण होता है। हमारा कठिन प्रशिक्षण सभी चुनौतियों को आसान बना देता है। ITBP के अफसर और जवान बल के श्रेष्ठतम प्रशिक्षण संस्थानों में ट्रेनिंग हासिल करते हैं। ITBP अकेडमी मसूरी, बेसिक ट्रेनिंग सेंटर भानु, काउंटर इंसर्जेंसी एंड जंगल वॉरफेयर स्कूल माही डांडा, माउंटेनियरिंग एंड स्कीइंग इंस्टीट्यूट ओली, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग एंड सर्च रेस्क्यू एंड डिजास्टर रिस्पॉन्स और बल में शामिल किए जाने वाले जानवरों की ट्रेनिंग के लिए नेशनल ट्रेनिंग सेंटर फॉर डॉग्स एंड एनिमल। नारी सशक्तिकरण की दिशा में ITBP ने महत्वपूर्ण पहल की है। दुर्गम हिम क्षेत्रों में सीमावर्ती चौकियों पर महिला अफसरों और जवानों की तैनाती ने उन्हें अपनी क्षमताएं प्रदर्शित करने का अवसर दिया है। ITBP की इस उपलब्धि को निर्भया सम्मान से पुरस्कृत किया गया है। हमारे हिमवीरों ने दुर्गम पर्वतों पर आरोहण का रिकॉर्ड बनाया है। बर्फीली ऊंचाइयों पर विजय पाने का जुनून ऐसा है कि 4 बार एवरेस्ट फतह करने के अलावा ITBP ने 205 पर्वतारोहण अभियानों को सफलतापूर्वक पूरा किया है। बारह
बात हिम्मत और साहस के इम्तिहान की हो और वहां हमारे हिमवीर न हो, ऐसा हो नहीं सकता। साहसिक खेलों में ये बल अग्रणी है। जीवटता का परीक्षण करने वाले साहसिक खेलों में हमने अपनी अंतरराष्ट्रीय पहचान बनाई है। पिछले 5 साल में 2 बार सफल गंगा राफ्टिंग अभियान, आइस हॉकी में देश का प्रतिनिधित्व इसका प्रमाण है। प्रत्येक हिमवीर जनता से जुड़ने और उनके प्रति सेवा भाव को अपना उत्तरदायित्व समझता है। निस्वार्थ समाज सेवा हो या पर्यावरण की सुरक्षा, आईटीबीपी ने हमेशा स्थानीय जनता का दिल जीता है। शौर्य, दृढ़ता और कर्मनिष्ठा से वीरता की अनगिनत गाथाएं गढ़ने वाले आईटीबीपी के हिमवीरों को वीरता के अनेक उच्चतम पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। वीरता और कर्तव्य परायणता की मिसाल है हम हैं हिमवीरों के दल, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल।